डियर फोर्थ ईयर, आज जो है हमारा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस में से जो हम लोग थ्री डिज़ाइंस जो हमने पढ़ने हैं, यानी कि द सीआर डिज़ाइन, द आरसीबी डिज़ाइन और लेटेंसकियर डिज़ाइन, इनमें से दूसरा डिज़ाइन आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि है द रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन, जो कि आपकी बुक के पेज 426 पे गिवन है। तो रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन जो है, इसमें आपको जो अलग बात नज़र आ रही होगी सीआर डिज़ाइन से, वो है इसमें ब्लॉकिंग होना, जैसे कि इसके नाम में भी लिखा हुआ है द रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन। इस डिज़ाइन में लोकल कंट्रोल वाले प्रिंसिपल को भी यूज़ किया जाएगा और ब्लॉकिंग की जाएगी, यानी कि लाइक ऑब्जेक्ट्स को, एक जैसे ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर उनकी ग्रुपिंग की जाएगी, उनके ब्लॉक्स बनाए जाएंगे और फिर उन ब्लॉक्स में ट्रीटमेंट्स का जो भी पूरा सेट है वो अप्लाई किया जाएगा और फिर जो है और वो ट्रीटमेंट्स जो है वो हर ब्लॉक में एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स पे रैंडमली जो है वो असाइन की जाएंगी। सो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। डेफिनेशन में ये सब कुछ आ जाएगा और फिर एक्सपेरिमेंटल लेआउट और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह। अ रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन, जिसको आरसीबी से हम डिनोट करते हैं, मे बी डिफाइंड एज वन इन विच, नंबर वन, द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज डिवाइडेड इंटू ग्रुप्स और ब्लॉक्स इन सच अ मैनर डेट द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स विद इन अ पर्टिकुलर ब्लॉक आर रिलेटिवली होमोजीनियस। पहला स्टेप ही यही है कि जो आपका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है टोटल, उसको डिवाइड कर देना है होमोजीनियस ग्रुप्स में, जिनको हम ब्लॉक्स कहेंगे, ठीक है। और विद इन ब्लॉक जो भी हमारे पास यूनिट्स होंगे वो रिलेटिवली होमोजीनियस होंगे, उनकी खसूसियात एक जैसी होंगी। नंबर टू, ईच ब्लॉक कंटेन्स अ कंप्लीट सेट ऑफ ट्रीटमेंट्स, इट कॉन्स्टिट्यूट अ रेप्लिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स। हर एक ब्लॉक में क्या होगा, हर एक ब्लॉक में एक कंप्लीट सेट ऑफ ट्रीटमेंट्स होगा, जितनी भी ट्रीटमेंट्स यूज हुई हुई होंगी वो हर एक ब्लॉक में जो है वो उनका पूरा सेट जो है वो आएगा और यही चीज़ जो है वो रेप्लिकेशन भी करवाती है ट्रीटमेंट्स की। नंबर थ्री ये है कि द ट्रीटमेंट्स आर असाइंड एट रैंडम टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स विद इन ईच ब्लॉक, विच मीन्स द रैंडमाइजेशन इज रिस्ट्रिक्टेड विद इन ब्लॉक्स। और तीसरी चीज़ ये है कि हर दफ़ा जो ट्रीटमेंट्स हैं उनको रैंडमली जो है एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स पे असाइन किया जाएगा। इसका ये मतलब है कि ब्लॉक्स में जो रैंडमाइजेशन है वो रेस्ट्रिक्टेड होगी। अ न्यू रैंडमाइजेशन इज़ मेड फॉर एवरी ब्लॉक, हर ब्लॉक के लिए हर दफ़ा नए सिरे से दोबारा रैंडमाइजेशन का प्रोसेस किया जाएगा, चाहे रैंडम नंबर टेबल से किया जाए या लॉटरी मेथड से या जिस तरह से भी। द पर्पज़ ऑफ दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज़ टू कंट्रोल अ सोर्स ऑफ वेरिएशन इन द एक्सपेरिमेंटल मटीरियल। द रैंडमाइज्ड कम्प्लीट ब्लॉक डिज़ाइन इज़ परहैप्स द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अब उसकी लेआउट की तरफ आ जाते हैं। उसकी लेआउट जो है वो आपकी किस तरह की होगी, उसकी लेआउट इस तरह की होती है कि आपके पास सपोज देर आर के ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है, और के ट्रीटमेंट्स के साथ आर ब्लॉक्स हैं, ठीक है, जितने भी ब्लॉक्स होंगे उनको हम आर से रिनोट करेंगे और नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स को जो है हम के से रिनोट करेंगे। इन अ रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन एंड इन ईच ब्लॉक कंटेन्स के होमोजीनियस प्लॉट्स वन ऑफ ईच ट्रीटमेंट, एन एक्सपेरिमेंटल लेआउट ऑफ सच अ डिज़ाइन यूजिंग सिक्स ट्रीटमेंट्स इन थ्री ब्लॉक्स माइट बी एज फॉलोज। सिक्स ट्रीटमेंट्स हैं और थ्री ब्लॉक्स हैं हमारे पास, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंटल लेआउट बना हुआ है। हमारे पास टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स कितने हैं, टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास 18 हैं, 3 3 3 3 3 3, टोटल 18 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं और हर एक ब्लॉक में हमारे पास 6 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं और हर यूनिट पे जो है पूरा कंप्लीट सेट 6 ट्रीटमेंट्स का जो है वो अप्लाई किया गया है, ठीक है, और 3 जो है वो टोटल हमारे पास ब्लॉक्स हैं। तो आर जो है वो हमारे पास 3 होगा और जो है
के नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स जो है वो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स हमारे पास 6 होगा, ठीक है। तो और उसके बाद क्या है, जैसे अब ब्लॉक वन है, ब्लॉक वन में हमारे पास कितने एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं, 6 हैं, ठीक है। इन इन एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स पे हमने क्या करना है, 6 प्लॉट्स हैं, हमने ए बी सी डी ई जो हमारी 6 ट्रीटमेंट्स हैं वो बारी बारी अप्लाई करनी है रैंडमली। अब फर्स्ट प्लॉट के लिए या जो भी ये इंडिविजुअल है या पर्सन है उस पर ट्रीटमेंट अप्लाई करने के लिए, चाहे लॉटरी मेथड से या रैंडम नंबर टेबल से हम लोग उसको असाइन करेंगे। लेट से पहले पे कौन सी ट्रीटमेंट असाइन हुई है, डी हुई है, दूसरे के लिए दोबारा स्लिप ऑफ पेपर निकाली गई है, लेट से वो जो है बी निकली है, तो सेकंड पर्सन पे या इंडिविजुअल पे या प्लॉट पे जो है वो ट्रीटमेंट बी अप्लाई हुई है, इस तरह थर्ड पे ए, फोर्थ पे सी, फिफ्थ पे एफ और सिक्स पे ई, और इस तरह से बाकी सारे जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं हर ब्लॉक के अंदर 6-6, उन पे हर दफ़ा नए सिरे से रेंडमाइजेशन का प्रोसेस जो है वो रिपीट किया गया है। उसके बाद आ जाता है स्टेटिस्टिकल मॉडल एंड एनालिसिस। स्टेटिस्टिकल मॉडल एंड एनालिसिस जो है इसका, वो आपके पास एज ईच ऑब्जर्वेशन इन अ आरसीबी डिज़ाइन इज़ क्लासिफाइड बाय द ब्लॉक टू विच इट बिलोंग्स एंड बाय द ट्रीटमेंट इट रिसीव्स, देयर फॉर वाई आई जे रिप्रेजेंट द ऑब्जर्वेशन कोरेस्पॉन्डिंग टू ब्लॉक एंड ट्रीटमेंट, द लीनियर स्टेटिस्टिकल मॉडल फॉर दिस डिज़ाइन वुड बी। इस डिज़ाइन के लिए लीनियर स्टेटिस्टिकल मॉडल हमारे पास क्या होगा, वाई आई जे यानी कि हर एक ऑब्जर्वेशन किस किस चीज़ से मिलके बनी है, उसका क्या मॉडल है, म्यू प्लस ब्लॉक्स का इफेक्ट है, ट्रीटमेंट्स का इफेक्ट है, प्लस एरर कंपोनेंट है, ठीक है। वेयर बी आई रिप्रेजेंट ब्लॉक इफेक्ट, ई आई जे आर इज टू बी यानी जो एरर टर्म है, नॉर्मली एंड इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन जीरो एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो एनालिसिस ऑफ अ रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक एक्सपेरिमेंट है वो कंसिस्ट करता है टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पे, ठीक है। वेयर द हाइपोथेसिस क्या होगी, सबसे पहले एच नॉट टॉ जे इज़ इक्वल टू जीरो यानी कि ऑल ट्रीटमेंट इफेक्ट्स आर जीरो, या आप लोग उसी तरह से लिख सकते हो कि एच नॉट जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं म्यू वन म्यू टू से लेकर जितनी भी वो हैं दे आर ऑल इक्वल, ठीक है। और सेकेंड जो है क्योंकि अब टू वे है, दूसरी जो नल हाइपोथेसिस बनेगी वो किस चीज़ की बनेगी, वो बनेगी आपके पास एच नॉट डैश बी आई इक्वल टू जीरो मीन्स ऑल ब्लॉक इफेक्ट्स आर जीरो, जो भी ब्लॉक हैं उनके इफेक्ट जीरो हैं यानी कि सारे ब्लॉक्स जो हैं वो मिलते जुलते हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटेशंस के लिए क्या करना है, आपके पास कॉलम्स में आएंगे ब्लॉक, ये रोज़ में आपने क्या करना है, ब्लॉक्स ले लेने हैं हमेशा, ठीक है। इस तरह से अपनी अरेंजमेंट करें कि रोज़ में ब्लॉक 1, 2, 3, 4 अप टू जितने भी ब्लॉक्स हैं आर, ठीक है, वो आ जाएं, और कॉलम्स में पहले की तरह हमारे पास क्या आएंगी, ट्रीटमेंट्स आएंगी, ट्रीटमेंट 1, 2, 3 सो ऑन के, ठीक है। तो पहला कॉलम जो है वो ट्रीटमेंट 1 की वैल्यूज़ का होगा, दूसरा कॉलम ट्रीटमेंट 2 की वैल्यूज़ का, तीसरा कॉलम ट्रीटमेंट 3 की वैल्यूज़ का एंड सो ऑन, लास्ट जो हमारी ट्रीटमेंट होगी उसकी वैल्यूज़ हमारे पास लास्ट कॉलम में आएंगी। उसके बाद सिंपल टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है जो कि हम लोग अच्छे तरीके से पहले कर चुके हैं, वही यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। वही ये देख लें आपके पास जो है वो इनोवा टेबल है, ठीक है। इनोवा टेबल में सबसे पहली चीज़ आपके पास एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस में सोर्सेस ऑफ वेरिएशन में आएगी ट्रीटमेंट्स, दूसरी चीज़ आएगी ब्लॉक्स, और पहली चीज़ पहली पहली सोर्स ऑफ वेरिएशन ट्रीटमेंट, आखिरी जो है वो एरर। उसके बाद अगर आरसीबी डिज़ाइन है तो दरमियान में क्या आ जाएगा, हमारे पास ब्लॉक्स आ जाएगा, और फिर लास्ट टोटल, और फिर हमें पता है कि हमारे पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ट्रीटमेंट्स की क्या होंगी, जितनी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स है -1, ब्लॉक्स की क्या होंगी, जितनी नंबर ऑफ ब्लॉक्स है -1, और एरर की जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आती हैं के -1 इंटू आर -1, और टोटल जो है वो आर इंटू के -1, या फिर जितनी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं वो यानी एन -1। उसके बाद वही सम ऑफ स्केयर्स हैं, फिर मीन स्केयर्स हैं, और मीन स्केयर्स के बाद आपके पास आखिरी चीज़ एफ़ आ जाती है। F1 जो है वो मीन स्केयर फॉर ट्रीटमेंट्स डिवाइड बाई मीन स्केयर फॉर एरर के इक्वल होगा, और
एफ टू जो है वो ब्लॉक्स वाला मीन्स स्क्वायर फॉर ब्लॉक्स डिवाइड बाय मीन्स स्क्वायर फॉर एरर्स के इक्वल होगा। और इसमें जो है आपका लेवल ऑफ सॉरी क्रिटिकल रीजन वो वही बनेगा एफ वन के लिए, एफ इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एफ अल्फा न्यू वन एंड न्यू टू, जहाँ पे न्यू वन जो है वो ट्रीटमेंट्स के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को शो करेगा और न्यू टू जो है वो एरर्स की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को। जबकि जो ब्लॉक्स वाला है उसमें हमारे पास एफ टू इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू न्यू वन एंड न्यू थ्री होना चाहिए, ठीक है। यानी न्यू थ्री जो है वो किसको शो करेगा, एरर वाली को। इस तरह से इसमें भी एफ टू इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू न्यू वन एंड न्यू थ्री, न्यू टू एंड न्यू थ्री होना चाहिए। इसमें न्यू थ्री जो है वो एरर्स की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को शो करेगा। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है वो ये है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पॉइंट आउट डैट इफ़ एफ टू प्रूव्स टू बी इनसिग्निफिकेंट, विच मीन्स देयर आर नो डिफरेंस सिस अमंग ब्लॉक्स, वी हैव ए बैड डिज़ाइन। अगर हमारे पास एफ़ टू जो है जो कि ब्लॉक्स के मुतल्लिक है और वो उसकी एज नॉट जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है उसमें, ये जिसका ये मतलब होता है कि ब्लॉक्स इफेक्ट्स जो हैं वो सेम हैं, यानी ब्लॉक्स जो हैं वो उनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, तो फिर ये कोई अच्छा डिज़ाइन नहीं होगा, क्योंकि ब्लॉकिंग तो की ही इसलिए जाती है कि हेटरोजीनियस मटेरियल को होमोजीनियस ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया जाए। तो वो पर्पस अगर पूरा ना हो, मकसद ना पूरा हो, तो फिर ये ऐसा जो है डिज़ाइन वो एक बैड डिज़ाइन होगा। उसके बाद वही चीज़ है कि अगर हमने कहीं पे भी मल्टीपल कंपैरिजन करने हैं तो हम अपने वही एलएसटी टेस्ट या डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट वगैरह को यूज़ करेंगे। आखिरी चीज़ जो है वो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं हमारे पास आरसीबी डिज़ाइन की, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, द इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ द आरसीबी डिज़ाइन आर एज फॉलोज। द सोर्स ऑफ एक्सट्रानियस वेरिएशन इज़ कंट्रोल्ड बाय ग्रुपिंग द एक्सपेरिमेंटल मटीरियल। 429 पेज पे आपके पास गिवन है एक सोर्स जो है वो एक्सट्रानियस वेरिएशन की वो ब्लॉकिंग की वजह से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। द डिज़ाइन इज़ फ्लेक्सिबल, द एक्सपेरिमेंट कैन बी सेटअप इजीली, द स्टेटिस्टिकल एनालिसिस इज़ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। और इस तरह से अगर मिसिंग ऑब्जर्वेशन हो, कोई आपकी प्लॉट जो है उसकी ऑब्जर्वेशन मिस हो जाती है पेस्टिसाइड्स के हमले की वजह से, उसकी यील्ड नहीं आती है, कोई भी किसी भी और वजह से उसकी ऑब्जर्वेशन नहीं ली जा सकती, तो उसकी एडजस्टमेंट जो है वो आसान होती है। हाँ, उसके बावजूद इसकी दो डिसएडवांटेजेस जो हैं, इट कंट्रोल्स वेरिएबिलिटी ओनली इन वन डायरेक्शन। इसकी वेरिएबिलिटी जो है वो एक डायरेक्शन में जैसे कंट्रोल करता है, या रो वाइज या जो है वो कॉलम वाइज, जिस तरफ ब्लॉकिंग की गई होगी बस उस तरफ से जो है वो वेरिएबिलिटी उसकी कंट्रोल होगी, दूसरी तरफ से क्रीप कर सकती है। इट इज़ नॉट अ सूटेबल डिज़ाइन व्हेन द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स इज़ वेरी लार्ज और व्हेन द ब्लॉक्स आर नॉट होमोजीनियस, ब्लॉक्स होमोजीनियस ना हो या फिर नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स बहुत लार्ज हो, तो फिर क्या होता है, फिर ये एक अच्छा डिज़ाइन जो है वो साबित नहीं होता, उसके लिए उसको यूज़ करना अप्रोप्रिएट नहीं होता। तो ये हैं उसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारे आज के डिज़ाइन की, इनको सारों को अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है।